श्री राम, अभी हम गिरधर गौशाला मानजी में उपस्थित हैं। यहाँ पर अपने साथ में किशोर जी, महावीर जी बिश्नोई और यहाँ के और गौशाला संचालक हरिराम जी और भाई साहब कृष्णा राम जी और दीपेंद्र सिंह जी, ये सब उपस्थित हैं। यहाँ पर विशेष बात आपको ध्यान में यह आएगी कि यहाँ की जो साफ सफाई है, कई गौशालाओं में गए वहाँ पर जो नीचे जमीन है जहाँ गायें खड़ी रहती है वहाँ पर गोबर ही गोबर चारों तरफ और भरा पड़ा रहता है। इसकी वजह से गायें हैं वो मेली कुचली रहती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो गायों का रंग एकदम बढ़िया सफ़ेद साफ सुथरी। तो इसका विशेष कारण क्या है साहब, यहाँ इस प्रकार की और व्यवस्था रहने का? सफाई का। अच्छा, यहाँ प्रतिदिन पोटा उठाना और उठाना साफ सफाई झाड़ो। और यहाँ आदमी रखे हुए और वो आदमी बहुत मन से काम करते होंगे। देखो बे, बहुत बढ़िया। तो शिव जी नाम है। तो जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से भी निवेदन करता हूँ कि अपने अपने गांव में जहाँ गौशाला है उसको इस तर्ज पर तैयार करें, साफ सफाई बहुत अच्छी रखें। और यहाँ लगभग अपने प्रतिदिन कितनी गायें मर जाती होगी आपके यहाँ? अट्टे तो साल के मायने दो होती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जो प्रश्न पूछा आपने सुना होगा, मैंने पूछा कि प्रतिदिन गायें कितनी मरती है, क्यों पूछा? क्योंकि मैंने ऐसी गौशालाएं देखी है जहाँ प्रतिदिन एक दो गाय मरती रहती है और महीने में तो कम से कम एवरेज 30 गायें मरती है, लेकिन यहाँ पर आपके साल में ही दो कोई वही बुजुर्ग होने पर है ना, बाकी ऐसे अकाल मौत नहीं मरती है, भूख से भी नहीं मरती है। पलटी, कुत्तर, खाकला सब का मतलब नहीं, ये तो लगभग सब गौशाला में होता है। जी जी, ये कितनी आपको यहाँ पर गायें खड़ी रहकर के? अच्छा अच्छा, पूरा चारा वितरण होता है आपको कितनी याद आएगी पूरी? ये विशेष बात है। ये देखे, ये देखे साफ सफाई जो देखी इन्होंने कितनी, और खिड़की मिलेगी आपको बिल्कुल। ये हवा खाने के लिए हर गाय की कई गौशाला देखिए, मैंने कम से कम इस महीने में यानी पिछले एक महीने में मैं कम से कम 30 गौशालाओं में भ्रमण कर चुका हूं, लेकिन इतनी साफ सफाई किसी गौशाला में मैंने नहीं देखी। तो आप सभी और जो दर्शक देख रहे हैं और जो गौशाला प्रेमी, पूरी पट्टियां लगी हुई है, पट्टियां लगी हुई विशेष रूप से, चादर नहीं लग करके यहाँ पर पट्टियां लगी हुई है। जी जी, अच्छा, पंखे लगे हुए। तो मैं सभी दर्शक जो देख रहे हैं उन सभी से भी निवेदन करता हूं कि इस प्रकार गौशाला में साफ सफाई का विशेष ध्यान देवे, और साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे तो गायों में आधे रोग तो वैसे ही नहीं लगने वाले। और साफ सफाई इन्होंने मानजी की गौशाला में बहुत अच्छा और सिस्टम बना रखा है, व्यवस्था कर रखी है। हर गौशाला में आदमी होते हैं लेकिन वहाँ पता नहीं क्यों नहीं इस प्रकार सफाई होती है। तो आप सभी लोग भी इस बारे में ध्यान देवें, इस बात पर ध्यान देवें। जय श्री राम।